तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, जो कि अभी आपको मैंने बताया कि पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक क्या सिर्फ एक्सेल पे ही होता है? नहीं, ये अलग एप्लीकेशन में भी हो सकता है, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, जैसे पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, उन पे। तो हमने क्या किया, यहाँ कॉपी किया, एमएस वर्ड में गए, और एमएस वर्ड में जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट के नीचे यहाँ देखिए एरो निशान है, जिसमें आपको यहाँ पेस्ट स्पेशल दिखेगा। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और यहाँ पेस्ट एज ए लिंक दिखेगा और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखेगा। बस मुझे इसको सिलेक्ट करना है एंड जस्ट ओके, लिंक हो गया। अब मैं एक्सेल में को भी चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए मैं मोहन को कलर कर देता हूँ, कलर हर एवरीथिंग चेंज होगा, कलर से लेके डेटा वेटा सब जो भी होगा सब लिंक हो जाएगा। हो गया जी सर। उसके बाद इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने अगेन कॉपी किया और चला गया पावर पॉइंट में, तो क्या पावर पॉइंट को भी लिंक किया जा सकता है? सेम जैसे हमने एक वर्ड को किया है, और यहाँ हम करेंगे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में सेम पेस्ट एज ए लिंक, और यहाँ एक्सेल बाय डिफॉल्ट एक्सेल ही होता है, सिलेक्ट किया। यहाँ भी अपने हिसाब से रिसाइज वगैरह कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ये हमारे एक्सेल से लिंक हो गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पूरे कलर को जो है चेंज कर देता हूँ येलो से, और 900 को मैं 19 कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया और 19 हो गया। अब बात आती है आउटलुक की, तो आउटलुक में क्या चेंज होगा? देखिए आउटलुक में हम मैं बात कर रहा हूँ न्यू मेल्स में, कि जब न्यू मेल आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप इसको पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, पेस्ट स्पेस अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने अभी कॉपी नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, मैं अपने डेटा पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको मैं न्यू मेल पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक एक्सेल एनो राइट। तो आप वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों में लिंक कर सकते हैं, समझ गए जी सर। इसमें एक